Hello dear friends, myself Dr. Srikant Verma, MBBS, MD Anatomy, Director Simple Medical Academy. Motivational videos की इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी। ये मोटिवेशनल कहानी एक छोटे से नन्हे बालक की है जिसे एक घने अंधेरे रात में दूर कहीं सफर पर निकलना पड़ता है। तो जब वो सफर के लिए निकलता है तो उसके पिताजी अंधेरी रात के लिए उसके हाथ में एक लालटेन देते हैं जो बहुत ही छोटा सा होता है। तो लड़का जैसे ही लालटेन लेकर के अंधेरी रात में निकलता है तो वो डर जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है और उसके हाथ में बहुत ही छोटी सी रोशनी की स्रोत है, बहुत ही छोटा सा लालटेन है। डर जाता है, घबरा जाता है, समझ जाता है, रोने लगता है। कहता है, पिताजी इतनी घनी अंधेरी रात में मुझे इतना दूर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। उसके पिताजी उसको समझाते हैं, बेटा तेरे हाथों में ये लालटेन है ना, इस लालटेन के साथ में तू ये अंधेरी रात को पार कर जाएगा। लेकिन लड़का रोते हुए कहता है, पिताजी आप ये अंधेरे को देख रहे हैं, ये कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, और ये जो आपने मुझे लालटेन दिया ये कितना छोटा है, मैं कैसे इतने बड़े अंधेरे रात को मैं कैसे पार करूं। तो उसके पिताजी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा ये लालटेन को तो अपने हाथ में पकड़ और एक कदम चल। लड़का लालटेन को हाथ में पकड़ता है, एक कदम चलता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं दूसरा कदम चल। लड़का लालटेन पकड़ के दूसरा कदम चलता है, फिर तीसरा कदम चलता है, चौथा कदम चलता है, पांचवा कदम चलता है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा क्या तुझे कोई बात समझ में आ रही है। लड़का बोलते हैं, नहीं पिताजी आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा ध्यान दे, ये जो उजाले का जो घेरा है, लालटेन से जो रोशनी निकल रही है उसका जो घेरा है वो सिर्फ एक कदम या दो कदम तेरे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन ध्यान दे कि जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है तो ये रोशनी का घेरा भी तेरे साथ एक कदम बढ़ाता है, फिर जब तू दूसरा कदम आगे बढ़ा रहा है तो ये भी तेरे साथ दूसरा कदम बढ़ा रहा है, तीसरा कदम तो ये भी तेरे साथ तीसरा कदम बढ़ा रहा है। बस यही तुझे करना है, तू उस बड़े काले घने अंधेरे रात को मत देख जो समुद्र की तरह चारों तरफ फैला हुआ है, बल्कि तू उस छोटे से उजाले के स्रोत को देख जो तेरे साथ है, जो तेरे साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर तू बड़े अंधेरे काले रात को देखते रहेगा तो बस तुझे डर लगेगा, लेकिन तुझे उस छोटे से उजाले को देखना है। बस दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वो लड़का बात समझ जाता है और वो उस छोटे से लालटेन के साथ कदम कदम बढ़ाते हुए चलता है और रोशनी भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है और वो बड़े ही लंबे काले अंधेरे रात को बहुत ही सफलता के साथ हंसते खेलते हुए पार कर जाता है और उसे जिंदगी की बहुत ही बड़ी सीख मिल जाती है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये जो काला घना अंधेरा है वो हमारे अंदर भी है, वो हमारी बाहर भी है, वो नकारात्मकता हर जगह फैली हुई है, लेकिन हमको उसको लेकर के रोते नहीं बैठना है, उसको लेकर के हमको पछताते नहीं रहना है, बल्कि हमको अपने अंदर उस छोटे से सकारात्मकता को खोजना है, उस छोटे से उजाले के स्रोत को खोजना है जो हमारे साथ चलती है। और अगर हमने उस उजाले के स्रोत को, उस छोटे से स्रोत को, उस छोटे से पॉजिटिविटी को, उस छोटे से सकारात्मकता को अपनी ताकत बना ली तो हमारी जिंदगी में जितनी भी बड़ी नकारात्मकता हो, जितनी भी बड़ी हार की कोई चीज हो, जितनी भी बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, हम उस छोटे से पॉजिटिविटी के साथ, उस छोटे से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। बस दोस्तों यही आज की कहानी है। इस कहानी को मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की छोटी सी दो पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये पंक्तियां कुछ इस तरीके से है, राह पकड़ तू और चला चल पा जाएगा मधुशाला। जी हाँ, अगर हम किसी एक लक्ष्य को चुनने और बस उसी दिशा में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, राह पकड़ लें और बस चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, तो हमारा जो लक्ष्य है वो किसी ना किसी दिन जरूर हमको हासिल होगा। यही आज की कहानी है, यही आज की सीख है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसे न सिर्फ अपने दोस्तों में बल्कि अपने फैमिली के मेंबर्स में, छोटे छोटे स्कूल बच्चों के ग्रुप में
ऑफिस के दोस्तों में, सभी में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा ऐसे वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा। थैंक यू।